घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर बड़े प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की चुनाव विधानसभा का, लेकिन रोचक मुकाबले अभी से शुरू हो चुके हैं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, और वो ये कहें कि अब कैंपेन का जो तरीका बदल गया है कि आप इतनी गैदरिंग के साथ में कैंपेनिंग नहीं कर सकते, तो आपको घर घर पर्चे बांटने पड़ेंगे, या आप एक निश्चित जो गैदरिंग है उसके साथ आप घूम सकते हैं। तो चले, कैराना एक ऐसी जगह है जो सियासी हलचल में कई बार अपनी रंगत दिखा चुकी है। वहां के व्यापारी, वहां के आम लोग का पलायन जो है उसको लेकर के बीजेपी कई बार ये बात कह चुकी है कि कैराना से आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था कैसी है। लोगों का भरोसा जीता है बीजेपी ने कैराना में वापस लोगों को ला करके, ये अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है। इससे पहले तो कई बार कह ही चुके हैं वो, और उन्होंने सीधा अपना तंज पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी पर कसा है कि ये आप फर्क देख सकते हैं। तो चलिए, हम अमित शाह के दौरे के मायने और कैराना के लोगों में कितना भरोसा होगा, क्या पॉलिटिकल माइलेज होंगे इसके, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अरुण चौबे जी भाजपा से हैं, और जेबा यास्मीन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अरुण मिश्रा जी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। मैं जेबा जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित शाह जी का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, देश के गृहमंत्री हैं, उन्हें चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, और उनका हमला जो था उसके साथ एक भरोसा दिलाने की जो बात कर रहे थे व्यापारियों को, आम जन को, कि आप इससे दो चीजें समझ सकते हैं कि योगी सरकार आपकी वापसी करके लेके आई है तो आपका भरोसा जीता है कानून व्यवस्था को लेकर के, और पूर्ववर्ती सरकार ने जो आपको किस मोड़ पे ले जाके छोड़ दिया था, ये दोनों का फर्क है। ये अमित शाह का दावा है। देखिए, आपने दो पॉइंट रेज किए। एक तो जो अमित शाह जी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे और उतरे, देखिए ये ही, ऐसा ही सेम कैंपेन हमने दिल्ली में भी देखा था, और दिल्ली में वो कैंपेन फेल हुआ था। उन्होंने दिल्ली में भी पर्चे बांटे थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग की थी, और उसका नतीजा हमने देखा था, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जहां तक है कि वो जो मुद्दे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत संदेश है। देखिए, मुजफ्फरनगर दंगा जो था, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी एक विपक्ष के रूप में, और वो सत्ता में है, उनकी ये बनती है कि जो आपसी मतभेद हुए थे उसको भाईचारे में तब्दील करना है। हमें लोगों को एकजुट लाना है, जो जाट मुसलमान में एक खाई पैदा हो गई थी उनको हमें साथ लाने की कोशिश करना है, ये मानवता की जिम्मेदारी है। तो वो हम विपक्ष होने के नाते कर रहे हैं, हम और आरएलडी मिलके हम लोग जाट मुसलमानों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह उस दंगों को इनकैश कराने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि वो उस हिंदू मुस्लिम को फिर से उजागर करके वो फिर सत्ता को अपने पक्ष में लेके आए, लेकिन ये मानवता के पाठ से बहुत गलत है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे हमारे जो हाथ में है उसे हमें सही करना चाहिए, भाईचारा फैलाना चाहिए। लेकिन कैराना में जिस तरीके से देखा गया कि वो फिर उस चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम लोग उबर चुके हैं, जिससे कैराना उबर चुका है, क्योंकि वो मुद्दे हमें पीछे की तरफ ही खींचे गए। जेबा जी, बीजेपी के एक नेता का बयान और कांग्रेस के लोगों ने भी जब कहा, अब बीच बीच में कई बार इस तरह की चीजें आती हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी से जो अलग है सभी लोग विरोधी हैं उनकी, खासकर मैं बीजेपी को कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि जख्म की बात कही गई थी, कैराना में जख्म दिए गए हैं, तो आपका कहना है कि जख्म हरे किए जा रहे हैं? देखिए, जख्म को कुरेदा जा रहा है, हमें उन चीजों से उबरना चाहिए। ये हमारी एक आम इंसान की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि अगर कोई दंगा हुआ या कहीं कुछ अन्याय हुआ है तो हम उसे सुधारने की बात करें, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे सुधारने की बात करनी चाहिए, ना कि जख्म को खिरोदा जाए। अब उसमें आपने विकास का क्या काम किया उस पर चर्चा करिए। पुराना जो बीत गया हम उसको सिर्फ सुधार सकते हैं, उसको इतिहास नहीं पलट सकते हैं। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहां जाके अभी वो अपने विकास के कार्य नहीं गिना रही है, वो अभी भी उन्हीं मुद्दों को उठा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस लेवल का विकास किया ही नहीं है कि वो चर्चा करें। अब आप सुबह सुबह ही आप देखिए, माननीय योगी जी सुबह नींद से जागते हैं और 6 बजे उनका ट्वीट आता है कि हम सपा को हरा रहे हैं। क्या माननीय जी आप ट्विटर पे हराएंगे सपा को?
अभी जिला पंचायत सदस्य में जो बहुमत हमें मिला था और जो जनता ने अपना जनादेश दिया था उससे डरी हुई है भाजपा सरकार। और दूसरी बात मैं एक चीज और याद दिलाऊंगी, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, मुजफ्फरनगर में एक विधायक प्रत्याशी हैं सैनी जी, उनको जिस तरीके से गांव वालों ने खदेड़ा था और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठ के भागना पड़ा था, इससे पता चल रहा है कि एक लोकल नेता को वहां जाने में बहुत दिक्कत हो रही है और जनता का सामना करने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में उतरा हुआ है, ये उनकी मजबूरी है। वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं डॉक्टर चौबे जी के पास में जाना चाहूंगा। अभी सुना अरुण जी आपने, जेबा जी ने कहा कि ये जख्मों को कुचलने का वक्त नहीं है, वोट की राजनीति होती रहेगी लेकिन वहां सद्भावना भी पैदा करनी है, विकास के मुद्दों पर चर्चा करिए। दामन पे कहीं दाग न खंजर पे कोई खून, कत्ल किए हो कि करामात किए हो, ये समाजवादी पार्टी के लोग अपने कार्यकाल में जाटों भी नहीं हिंदुओं को कैराना और मुजफ्फरनगर से कितनी बड़ी संख्या में ये लोग पलायित करते हैं, पलायन करने को विवश करते हैं, घर से बेघर कर देते हैं, 500 से अधिक दंगे एवरेज औसतन ये लोग करवाते हैं, उन दंगों में हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों के 500-500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और उस जख्म को भुलाना आसान है क्या? उस जेबा मैडम जो बोल रही हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उन भाइयों से पूछिए जिन्होंने अपनी बहनों को खोया है, या उन लोगों से पूछिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, क्या उन दंगों को और उन दंगों के शरणार्थी को शरण देने वालों को समाजवादी पार्टी के मुखिया को भूल पाएंगे क्या? अभी समाजवादी पार्टी ने जो दंगे का मुख्य आरोपी है उसको टिकट दिया है, यह जख्म कुरेदने का काम है या जख्म को भुलाने का काम है? ये गुंडों की जो गुंडों मवालियों और दहशत गर्दों को, चाहे संजरपुर का आजमगढ़ का संजरपुर का प्लीज वन मिनट, आप अपने बात को कंटिन्यू करिएगा, मैं आपको इसके लिए नहीं रोक रहा, सवार शायद मैं भूल जाऊं, आप अपनी बात नहीं भूल पाएंगे। राजनीति में गुंडों मवालियों की डेफिनेशन कुछ याद है आप लोगों को? हर राजनीतिक दल से मेरा सवाल है, इसके कुछ मायने हैं? आखिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा कि आपका जो रिकॉर्ड है आप उसे सार्वजनिक भी कर दीजिए ताकि जनता जान सके कि हम वोट किसको डाल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट देख सकते हैं जो प्रत्याशियों का, उसमें अगर एक भी गुंडे हो तो इनके जैसे नहीं है कि जो लगातार दंगे कराए, जो बलात्कार के दोषी हैं, जो हत्या के दोषी हैं, उनको ये जो है समाजवादी पार्टी टिकट देती है, न सिर्फ टिकट देती है बल्कि जो है उनका महिमा मंडन करती है, आजमगढ़ में आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों को टिकट देती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैराना मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरनगर का आप देख सकते हैं, इन लोगों को सिर्फ हिंदुओं के ऊपर हमला करवाना, हिंदुओं का पलायन करवाना, हिंदू मुस्लिम दंगे करवा के मुसलमानों को मूर्ख बनाकर अपने पक्ष में रखने की ये जो कोशिश समाजवादी पार्टी लंबे समय तक की है उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अब कामयाब नहीं होने देगी। रही बात, जेबा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अमित शाह जी दिल्ली में घूम रहे थे, परिणाम क्या हुआ? मैं जेबा जी को थोड़ा सा रिवर्स बैक ले जाना चाहता हूं, 2014 जेबा जी याद कर लीजिए, 17 याद कर लीजिए, 19 याद कर लीजिए, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी दल एक होकर क्या बिगाड़ लिए, उसको भी याद कर लीजिए ना। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास में, अरुण मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अरुण जेबा जी और चौबे जी, मैं आऊंगा आपके पास में, डॉक्टर चौबे वापस आऊंगा आपके पास में, मैं अरुण मिश्रा जी जुड़ गए हमारे साथ में। अरुण जी मैं दो बातें जानना चाहूंगा यहाँ पे, अमित शाह जी का दौरा और अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्होंने आज कैंपेनिंग का अपना एक तरीका, जो घर घर पर्चे बांटना, लोगों से मिलना, उसके एक अपनी एक अलग अपील है, लेकिन जेबा जी ने खारिज किया कि दिल्ली में भी पर्चे बांटे थे अमित शाह जी ने, कोई असर नहीं हुआ उसका। खैर चलिए, कैराना बड़ा ही हॉट टॉपिक रहा है, आज से नहीं जब ये पलायन हुआ और दंगे हुए तब से ही। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि कुदेर जा रहा है उनके जख्मों को, यानी कि वो यादें ताजा की जा रही हैं, जबकि वक्त यह है कि सद्भावना वहां पैदा करने की, वोट की राजनीति से हमें इसे नहीं जोड़ना चाहिए, वोट अपनी जगह है लेकिन वहां के रहवासी जो हैं उनमें एक भरोसा होना चाहिए कि पूरा मुल्क उनके साथ में है। योगेन जी, ये जो सत्ता की चाशनी है ना, ये बड़ी लोलुपता पैदा करती है, और न सिर्फ
किसी एक दल के प्रति पैदा करती है, किसी एक दल के मुखिया के लिए पैदा करती है, ये आज के राजनीतिक पृष्ठभूमि के यथार्थ धरातल की कड़वी सच्चाई है। पिछले चार दशक से, उसके पहले भी थी, लेकिन उस समय आम जनमानस यह महसूस करता था कि सत्ता प्राप्ति के पश्चात जिनको हमने अपना कर्ता धर्ता बनाया, भाग्य विधाता बनाया, उनमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा आम जनमानस के बीच में उम्मीद थोड़ी सी कम हुई। इसमें सिर्फ राजनेताओं का दोष नहीं है, वही आम जनता उन लोगों को चुनती भी है। अब आता हूं कि यथार्थ के धरातल की कड़वी सच्चाई, जो आज के वर्तमान परिवेश में प्रदेश में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक स्थितियों, उसकी स्थिति यह है कि जब चुनाव आते हैं, अभी बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, शामली हो, इन सब बागपत हो, गाजियाबाद से जुड़ा हिस्सा हो, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है योगेंद्र जी, आप देखते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी, जिसके कोई भी वक्ता यहाँ बैठे नहीं है, तो जो वोटों का 2007 से लेकर के 2017 तक के समीकरणों का प्रतिशत मात्रा आप जब देखेंगे, तो 20% के लगभग वो हमेशा रही है। और ये 20% में उसका ज्यादातर जो मत प्रतिशत बढ़ता है वो पश्चिमी क्षेत्र से ही बढ़ता है, तो अक्सर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है और कह दिया जाता है, लेकिन वो 50-60 सीटें और ये 20% वोट बैंक, तो पश्चिम में उनका उनको बिल्कुल परिदृश्य से गायब कर देना ये उचित नहीं होगा। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो वो वहां पर पिछले एक दशक से, मैं मानू अगर 15 वर्ष से पहले ना मानू तो एक दशक से मैं मानू, तो वो वहां पर उसने लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की, उसने अपने मत प्रतिशत को बढ़ाया है और सीटों को भी बढ़ाया। उसके साथ में समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, तो 2012 में जो उसकी स्थिति थी, वो 17 मार्च में आकर के जाकर के उसकी स्थिति में काफी हद तक गिरावटें आई। उसके पीछे की वजह अगर आपको याद होगा योगेंद्र जी, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी में अंतर कला चला था कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता के समय में, वो आंतरिक विरोध का परिणाम यह निकला भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों तक वो 52 में चली गई थी, उसको सत्ता हासिल नहीं हुई और सपा बसपा ये स्थितियां चलती रही। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का जो पिछले पंचवर्षीय में जो गिरावट हुई 2012 के बाद, तो उसमें भी उनका पारिवारिक अंतर कला रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ में पारिवारिक पृष्ठभूमि का आरोप भले न लगे जो नेतृत्व करने वाले लोग हों, लेकिन उनके साथ में अपने लोगों के बीच का अंतर विरोध था, यहाँ तो परिवार के विरोध में अंतर विरोध हो जाता है। तो आज की स्थिति यह है कि जो चुनावी परिदृश्य है उसमें ये देखने की बात होगी कि एक दशक से आप अगर चुनाव में जो वोट पड़ रहे हैं, आप कहीं पे भी देखें, खास करके पूर्वोत्तर प्रांतों में और से लेकर के आप पश्चिम तक जाएं या उत्तर भारत में आप देखेंगे, तो उत्तर भारत के जितने भी स्टेट आते हैं, चाहे मध्य प्रदेश को ले, उत्तर प्रदेश को ले। अरुण जी थोड़ा समय कम है, मैं कैराना का एक 30 सेकंड में आपसे कैराना पे जरूर मैं चाहूंगा कि कैराना को अगर लेकर के बात करें, जेवाजी का कहना है कि बीजेपी इसमें अभी भी उन जख्मों को हरा करके अपना फायदा ढूंढ रही है, जबकि वक्त यह है कि अगर चर्चा करनी है तो विकास पे करनी चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा था योगेंद्र जी, इसी आखिरी पॉइंट पे ही आ रहा हूँ कि जो वोट पड़ने का जो दृष्टिकोण है खास करके उत्तर प्रदेश में, तो पिछले एक दशकों से उसमें बदलाव आया है। और वो ये बदलाव ये आया है कि आपको अगर याद हो, और खास करके जो हमारे वक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी को, तो एक दशक क्या मैं उसको 15 साल मानूंगा, उसके पहले 27 साल पहले कांग्रेस का 25 साल पहले इतिहास था, लेकिन जो परिवर्तन आया था वो एक समय वोट बैंक की जो वोटिंग करने का जो ध्रुवीकरण होता था, तो समाजवादी पार्टी का अगर कैंडिडेट है या बसपा का कैंडिडेट मजबूत है, तो मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण जो मजबूत कैंडिडेट होता था अगेंस्ट टू बीजेपी, उस तरफ चला जाया करता था। उसमें अब बदलाव ये आ गया है कि अब उसी चीज को 15 सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुशांसिक जितने संगठन है, आरएसएस हो या आदर संगठन हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, विधेयक हो, बजरंग दल हो, इन लोगों ने इतना काम जमीन पे कर दिया कि उसमें बदलाव ये आ गया है कि अब वो ये देख रहे हैं जो जनता के बीच में मत प्रतिशत का बंटवारा जो होता है, वो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में काशी मथुरा अयोध्या भी आ जाता है, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी आ जाता है, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी आ जाता है। तो ये आप ये इस बात को बिल्कुल भी सिरे से नकार दीजिए कि नहीं साहब ये आता नहीं है। बेसिकली जो पूरे 4.5 साल विकास की चर्चा होती है, बाद में वोट इन्हीं चीजों पर पड़ता है। अरुण जी वापस लौटूंगा आपके पास, मैं जेवा जी के पास जाना चाहूंगा। जेवा जी आप, मैं अरुण जी के पास चला गया। अभी आपने सुना कि डॉक्टर चौबे जो आरोप लगा रहे थे और कहा कि विकास के मुद्दे पर ही हम चर्चा कर रहे हैं,
देखिए योगेंद्र जी, चौबे जी ने एक शायरी सुनाई, वो खून और वो छीटे, वो क्या क्या मुझे याद नहीं, लेकिन क्या वो, जी जी, क्या वो लखीमपुर पे भी लागू है शायरी, बस मैं इतना पूछना चाहूंगी। और जहां तक बात ये कह रहे हैं कि जनता भूली नहीं है मुजफ्फरनगर, तो क्या जनता भूल गई है कि 700 से ज्यादा किसान मर गए? क्या जनता भूल गई है कि गोरखपुर में बिना ऑक्सीजन के बच्चे मर गए? क्या जनता भूल गई है कि लाशें आपको टीन से छुपानी पड़ी थी? आपके आपने तो संसद में खड़े होकर झूठ बोल दिया कि बिना ऑक्सीजन के एक मृत्यु नहीं हुई है कोरोना काल में, क्या जनता मान लेगी इसको? तो चौबे जी, आप अगर यहाँ आके कुछ बोल रहे हैं तो जनता बुद्धिहीन नहीं है, उनके पास भी बुद्धि है, वो समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हम अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन वोटिंग तो सच्चाई पे ही होगी ना। आपके कहने से मुजफ्फरनगर दंगे दोबारा उजागर नहीं हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पास्ट को भूल के आगे ना चलना चाहा हो। एक जमाना था जब उसी बाबरी मस्जिद पर लाखों लाशें गिर गई थी, लेकिन जब फैसला आया तो मुसलमानों ने बहुत शांतिपूर्वक अपना समर्थन दिया, क्योंकि हम उस चीजों से उबर चुके हैं। अब हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों को दंगों में नहीं झोंकना चाहते हैं, और यही मुजफ्फरनगर के मुसलमान भी साबित करेंगे, हिंदू भी साबित करेंगे कि हम दंगों में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें भविष्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सेटलमेंट चाहिए। तो चौबे जी जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं राष्ट्र समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, उन मुद्दों को उठने नहीं देगी, और हम अपने मुद्दों को मुझे समय लगता है बहुत कम है। जी जी, समय कम है, बिल्कुल बात कही अपनी। जी चौबे जी, जख्मों को कुरेदने का काम हम नहीं करते, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप जो कही कि लाशों को टीन से छुपाना पड़ा, दिस दिस दैट, जितनी बातें कही, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही वो सरकार है जिसने कि इस कोरोना के महामारी के काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के लोगों के लिए वैक्सीन, लोगों के लिए दवाएं, लोगों के लिए ऑक्सीजन, लोगों के लिए भोजन राशन और तक हर चीज का, नमक तेल चावल आटा से लेके उनके डेली यूज की वस्तुओं को उनके घरों में पहुंचाया, जब लोग अपने रिश्तेदारों को अपने बच्चों को तक के पास जाने से डर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के इस काम को भी जनता नहीं भूलेगी। 165 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन भी जनता नहीं भूलेगी। आज तक लोगों को फ्री राशन मिल रहा है जनता उसको भी नहीं भूलेगी। 5 साल में 74 मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना नहीं भूलेगी, 6 एम्स की स्थापना नहीं भूलेगी। एक बात जेबाजी ने बड़ी कही, एक बात बड़ी कही है जेबाजी ने, चौबे जी एक बात बड़ी कही है, मैं उस बात से बहुत एग्री करता हूँ कि सभी को इस पे गौर करना चाहिए कि आपने अन्य प्रवक्ताओं को जितना समय दिया, मुझे एक मिनट और दे दीजिए, मेरी बात तो जनता वो भी नहीं भूलेगी। हाँ, रही बात दंगों की, तो दंगा की संस्कृति आप भारतीय राजनीति का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगे नहीं होते हैं, दंगे होते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में। आप किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, दंगे यहाँ बहुत आप नहीं के बराबर हुए है, या तो नहीं हुए या तो हुए भी तो नहीं के बराबर। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम रिंग रोड देते हैं, हम एक्सप्रेसवे देते हैं, हम सुपर एक्सप्रेसवे देते हैं, हम मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देते हैं, हम इम्प्लॉयमेंट देते हैं, हम समय आप दोनों ने अपनी अपनी बात कही है, मैं 20 सेकंड में बस इसका निचोड़ निकलवाना चाहता हूं अरुण मिश्रा जी से। जी अरुण जी, समय ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप अपनी बात कह दीजिए, बात कहे जाने चाहिए। कैराना के विषय पे जिक्र हो रहा है तो मैं उसके वहां के जो राजनीतिक स्थिति और वोट के विषय पे मैं कहना चाहूंगा, आम जनमानस के जो मत प्रतिशत जो किस तरीके से जाएंगे और कहां पड़ेगा उसका चुनाव में, उसका ध्यान रुझान किधर होगा, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का लोकदल के गठबंधन का असर तो पश्चिम क्षेत्रों में पड़ेगा, किसान आंदोलन का भी असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय रहते जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने उसको वापस लिया किसान बिल को, उसका भी उसको लाभ मिलने का भी असर मिलेगा। रहा सवाल उस क्षेत्र में वोटों के ध्रुवीकरण का, तो एक तरफ बस वहां पे कांटे की टक्कर का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे तीनों दल हैं वहां पर। जी, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, समय हो चुका, समय ऑलरेडी हो चुका, ज्यादा समय हम ले चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा, आपने अपनी बातें रखी है सबने, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इससे हम सहमत होने चाहिए कि पास्ट में अगर कहीं कोई ऐसा ब्लैक हमारा कोई अगर लेसन रहा, यानी कि अगर कोई काला अध्याय या धब्बा रहा, तो उसे हम सबको भुलाना चाहिए, बात दंगों की मैं कर रहा हूं, उसे भूल करके आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए और मुद्दा विकास ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की डिमांड भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और ये खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।